फर्स्ट गियर में आ गई है, अब करते हैं इसको स्टार्ट। ये देखो नहीं हो रही, अब मैं क्लच दबाता हूँ। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस आज की जो वीडियो है हमारी होने वाली है ब्रेम्बो के ऊपर। तो ब्रेम्बो हम लगाने वाले हैं, डुअल ब्रेम्बो लगाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे होने वाला है ब्रेक और अपना क्लच दोनों हाइड्रोलिक हैं। इसके साथ में एक जो सिंगल ब्रेम्बो आता है वो आपका जो यूज़ होता है वो सिर्फ यूज़ होता है ब्रेकिंग के लिए, जिसमें आप लोग आपकी जो फ्रंट डिस्क होती है वो काम करती है ब्रेम्बो के अंदर। और जो दूसरा वाला जो ब्रेम्बो होता है हाइड्रोलिक ब्रेम्बो गाइस, उसके अंदर क्या होता है जो क्लच वाला सिस्टम है वो काम में आता है आप लोगों के क्लच के साथ में। अब दोनों क्या है हमारे हाइड्रोलिक्स हो जाएंगे, उसके साथ में होगी आप लोगों की दो दो कंटेनर ऑयल डिब्बी, जिसको हम हिंदी भाषा में देसी भाषा में बोलते हैं, उसके अंदर आप लोगों का ऑयल है वो नज़र आता है। ब्रेम्बो का फ़ायदा आप लोगों ने देखा गाइस, रेसिंग परफॉर्मेंस के लिए यूज़ करा जाता है। आप जब रेसिंग बाइक देखते हो उसके अंदर होते हैं दो डिब्बियां लगी रहती है जिसके अंदर ऑयल होता है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों का उसके अंदर वायर का सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि जो इसका ब्रेम्बो है दोनों हाइड्रोलिक हो जाते हैं। तार का सिस्टम खत्म, जो आपका जो चलना है ब्रेम्बो क्लच और फ्रंट ब्रेक आपकी यूज होनी है गाइस, ऑयल के ऊपर डिपेंड हो जाती है, क्योंकि जो आप ब्रेम्बो लगा रहे हो उसके अंदर तो परफॉर्मेंस वाइज आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग है और आपकी जो क्लच परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करता है। इंक्रीज के साथ में जो आपको चलाओगे आपका काफी प्रीमियम लुक आप लोगों को देगा और स्पोर्टी लुक आप लोगों की बाइक जो है वो देने वाली इस तरह। और ये गाइस आप लोग अपनी किसी भी बाइक में लगा सकते हो, फेयरिंग हो या नॉन फेयरिंग हो, किसी भी बाइक के अंदर गाइस ये इंस्टॉल हो जाता है, क्योंकि जो इसकी जो हाइड्रोलिक पाइप है वो आप लोगों को काफी लंबी मिलती है, जिसमें आप लोग कहीं से भी उसको निकाल के लगा सकते हो। और जो गाइस इसका प्राइसिंग वगैरह है वो मैंने आप लोगों को बता दूंगा बिल्कुल एंड में, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके प्रोडक्ट बाय लिंक होगा वहाँ से आके आप चेकआउट कर लेना। फिलहाल तो इसके अंदर लगाने वाले हम डबल वाला, सिंगल वाला भी आता है, सिंगल वाला नहीं लगा रहा क्योंकि अपनी जो बाइक है वो स्पोर्टी तो है, स्पोर्टी के साथ में उसको दिखना भी स्पोर्टी है। चलिए गाइस आप लगाते हैं ब्रेम्बो और आप लोग देखना कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करा जाता है। सो गाइस ये हमारे पास में ब्रेम्बो का बॉक्स, और बॉक्स की क्वालिटी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की बॉक्स की क्वालिटी आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। और आगे पीछे से आप लोग देख सकते हो तो इसके ऊपर कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन वार्निंग वगैरह ये सब चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। और देखो द ब्यूटी ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो ये ब्रेम्बो की आप लोगों को पता है परफॉर्मेंस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सुपर बाइक्स वगैरह होती है यूज करा जाता है ब्रेम्बो। ये देखो गाइस सबसे पहले आप लोगों को उसको अंदर देखने के लिए मिलते हैं दो ब्रेम्बो के हाइड्रोलिक लीवर्स। तो ये देखो गाइस ये हाइड्रोलिक्स है, ये दोनों क्लच वाले हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, एक क्लच है ब्रेक, ये हमारा क्लच वाला आ जाता है। तो आप इसकी क्वालिटी देख लो, काफी सही क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर आप लोगों को एडजस्टमेंट मिल जाती है, जिसके अंदर आपको नॉर्मल स्पीड रेसिंग ये सब देखने के लिए मिल जाती है। इसमें आप लोगों को तीन मिलती है, तो तीन इसके अंदर मिल जाती है। और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो यह इसका एडजस्ट करने वाला नट है, लीवर की हाइट बढ़ती होती है इस वाले पीछे वाले नट से, यहाँ से इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से होता है, आपको स्पीड पे रखना है, नॉर्मल पे रखना है, रेसिंग पे रखना है। तो ये कुछ इस तरीके का लीवर है। तो ये हमारा ब्रेक वाला है, ब्रेक वाला हाइड्रोलिक है। तो ये देख लो गाइस बहुत स्मूथ होते हैं ये जो लीवर्स होते हैं, और इनके अंदर ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है। ये आ जाते हैं हमारे इसके बॉक्स। सो गाइस ये आप देख पा रहे हो हमारे ऑयल कंटेनर है, बड़े बड़े वाले, इसमें छोटे भी आते हैं लेकिन आप देख पा रहे हो हमारे पास में बड़े वाले आप लोगों को कंटेनर मिल जाते हैं। उसी के साथ में इसकी फिटिंग्स मिल जाएंगे, कुछ नट बोल्ट्स मिल जाएंगे, कुछ दोनों साइड के पाइप्स वगैरह, कुछ क्लैंप वगैरह ये इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इस ब्रेम्बो की किट के साथ में। उसी के साथ में गाइस यहाँ पर आ जाता है हमारा हाइड्रोलिक पाइप, और ये हमारा क्लच पंप मिल जाएगा देखने के लिए, ये भी गाइस ब्रेम्बो का है। और नीचे आप लोगों को देखने के लिए मिलती है इसकी कुछ फिटिंग्स। तो गाइस अब इन चीजों को करते हैं अपनी R15M के अंदर इंस्टॉल, और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इंस्टॉल होने के बाद में कैसी लगती है और इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर क्या रहता है, वो आप लोगों को सब चीज में इस वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा। सो गाइस ये अपनी R15M है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें लगाई थी जो कि आप लोगों ने इससे पहले वीडियो में देख लिया था। इसके अंदर हमने LED वाले मिरर लगाए थे, और ये देख पा लो मिरर का रिस्पांस काफ़ी सही है अभी तक का। तो अब लगाते हैं इसके अंदर ब्रेम्बो। तो ब्रेम्बो लगाने के लिए गाइस सबसे पहले हम लोगों ने क्या है, ये दोनों साइड के लीवर्स हैं वो निकलेंगे। लीवर निकलने के बाद में इसके अंदर जो ब्रेम्बो लगेगा और आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा एक काफ़ी स्पोर्टी लुक। और जैसे कि साइड फेयरिंग है, साइड फेयरिंग भी हमारी खुलेगी, और खुलने के बाद में जब उसके जो प्रोसीजर रहेगा आगे का वो आप लोगों को बता दो कि किस तरीके से इसके अंदर लगने वाला है। तो अगर आप ब्रेक वाला मास्टर सिलेंडर निकल चुका है, और आप देख लो यहाँ से बिल्कुल फ्री हो गया, अब निकालते अपना इस साइड वाला। तो इसको निकालने के लिए आप लोगों को पता है पूरी ग्रिप बाहर आएगी, ये सिस्टम खुलेगा अपना जो स्विच कंसोल है, उसके बाद में तो ही निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर नीचे एक स्क्रू होता है जिसको खोलने के बाद में अपना पूरा बाहर आता है, फिर क्लच केबल वगैरह इसके अंदर से निकालेंगे।
सो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ का हमने ब्रेम्बो लगा दिया, अब बारी आती है इधर वाले लगाने के लिए। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ वाले में ज़्यादा मेहनत इसलिए लगते क्योंकि इधर भाई हमारा बिल्कुल फ्री नहीं होता, बिल्कुल इससे जाम होता है जो हमारी ग्रिप होती है, और जो हमारा दूसरा वाला होता है क्लच तो उसके अंदर नीचे से ही होता है। पूरा क्लच को निकालने के लिए इस चीज़ को हमें ग्रिप को बाहर निकालनी पड़ती है। अब लगा दे उसका ब्रेम्बो वाला क्या करेगा, अब ऊपर से लग जाएगा जैसे आप लोगों का ये अलग लगा है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा, इसी तरीके से लग जाएगा। अब लगा देते हैं अपना क्लच वाला ब्रेम्बो भी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ऊपर के लग गए, अब नीचे का हम हाइड्रोलिक पंप है क्लच पंप, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा क्लच पंप है हाइड्रोलिक वाला। अब ये लगाने के लिए नीचे वाला खुलेगा, ये साइड वाला पैनल पूरा खुलने के बाद में जब जैसे कि आप लोग देखोगे तो नीचे इसे क्लच होता है, तो क्लच की जगह हमारा लग जाएगा ये पंप लग जाएगा, और ये देख लो पूरा हाइड्रोलिक का काम यही करेगा, ऊपर से हमारी ये केबल नीचे तक आ जाएगी। इसके अंदर के देख लो गाइस क्लच केबल है, और आप लोगों की जो टेंशन है इसके अंदर बार बार क्लच केबल चेंज करने की वो अब दूर हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोलिक पाइप है वो इसके अंदर काम करेगा। अब ये पंप है, अब पंप आप लोगों को बताता हूँ कहाँ लगेगा। ये पंप हमारा लग जाएगा इसके ऊपर, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये फिट हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इसके अंदर अपने हाइड्रोलिक पंप है वो इंस्टॉल कर दिया, जिसकी फिटिंग आगे की तरफ इस तरीके से आई हुई है। पीछे से अगर आप देखोगे तो पीछे से फिटिंग आप लोगों को इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। अब क्या है, ये वाला हिस्सा हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, होने के बाद में अब इसमें हमने प्रेशर बनाना है। प्रेशर के साथ में ही कंटेनर देख रहे हो, दोनों साइड में हमारे कंटेनर लगेंगे जिसमें हमारा ऑयल है, इसके अंदर डालेंगे हम ऑयल वगैरह, और बाकी देख लो ये इसकी फिटिंग में वगैरह है, इसके साथ में हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारा जो हाइड्रोलिक ब्रेक वो इसके अंदर हमने कर दी इंस्टॉल, और इसकी जो ऑयल कंटेनर है वो भी इंस्टॉल हो गया, और जो इसकी पत्ती वगैरह जो क्लैंप वगैरह था वो कुछ इस तरीके से लगने का आपको देखता है, और ये देख लो इसका पाइप आ गया। अब क्या है, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे, ऑयल डालने के बाद फिर उसके बाद में सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे हमने याला लगाया, उसका भी हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा लगाने का। अब इसके अंदर ऑयल डालते हैं, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम हम इसके अंदर ऑयल है वो इसके अंदर हम कर देंगे। ऑयल डालने के लिए दोनों ऊपर के जो स्क्रू हैं वो खुलेंगे, डिप्पी है ये कैप है ये खुल जाएगी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर ऑयल वगैरह मैक्सिमम हो गया, और इसके अंदर जो प्रेशर था गाइस प्रेशर भी बन गया। आप लोगों ने देखा प्रेशर कितनी आसानी से इसके अंदर बन गया, बस को आप लोगों को 3-4 बार इसको पुश करना है तो आपका जो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाएगा। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी सही हो गया जो ब्रेकिंग है इसकी। अभी हम टेस्ट करेंगे, पहले हम दूसरा वाला भी लगा लेंगे, तो उसके बाद मैं आप लोगों को दोनों टेस्ट करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से दोनों हाइड्रोलिक लीवर से हमारे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर ऑयल डाल दिया, अब इसके अंदर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो आप जितनी बार इसको आगे पीछे करोगे इसके अंदर गाइस जो ऑयल है कंटेनर का वो जाएगा उसके पाइपलाइन में, हॉस में से होता हुआ नीचे हमारा जो पंप लगा हुआ है पंप के अंदर, होने के बाद में जब इसके अंदर प्रेशर बन जाएगा तो इसका जो आपका क्लच है ये थोड़ा टाइट हो जाएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ जी इसके अंदर प्रेशर बन चुका है। बनने के बाद में आपका जो क्लच है वो काम करने लग जाएगा। आप लोगों ने देखा था हमने इसको यहाँ तक भरा था, अब इसका जो ऑयल है ऑयल हो गया यहाँ पर, यानी कि जो हमारी जो हॉस है इसके अंदर जो केबल है इसके अंदर पूरे में अपना जो ऑयल है वो जा चुका है। अब देख लो इसका जो क्लच है वो भी काम कर रहा है, और स्मूथनेस के साथ में काफ़ी सही रिस्पांस कर रहा है। अब इसको हम मैक्सिमम कर देंगे ऑयल को, जितना था इसका इसके बराबर, अब देखो इसका भी कम हो गया, तो इसको भी हम मैक्सिमम कर देंगे, पूरे दोनों बॉटल के अंदर आप लोगों को ऑयल देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर जो प्रेशर है प्रेशर बन चुका है, और उसी के साथ में दोनों हमारे जो हाइड्रोलिक्स हैं वो भी लग चुके हैं, और उसके बाद में जब बारी आती है कनेक्शन की तो टेल लाइट के कनेक्शन इसके इस तरीके से होंगे। अब जैसे कि देख पा रहे हो इसमें ब्लैक वाला वायर लगेगा जो आप देख रहे हो, इसमें ब्लू लाइन आ रही है, और एक ग्रे वाला वायर है वो हमारा लगेगा रेड वाले से, तो ये हमारा जो पीछे की टेल लाइट है वो काम करेगी इसको ब्रेक को दबाने से। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर हमने डुअल ब्रेम्बो इंस्टॉल कर दिया, हाइड्रोलिक ब्रेम्बो इसके अंदर हमने लगा दिया। देख लो गाइस ये देखो हमारा क्लच हाइड्रोलिक क्लच हो गया, ये हमारा हाइड्रोलिक लीवर्स हो गया, और क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर से दोनों में से क्वालिटी किस तरीके से नजर आ रही है। अभी देखो हमारा जो क्लच है वो भी हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, और इसके अंदर जो ऑयल है ऑयल भी हमने इसके अंदर पूरा कर रखा है। ये देखो हमारा क्लच, ये ब्रेक, और इसके अंदर आप लोगों को बता दिया था मैंने
इसके अंदर आप लोगों को 3 एडजस्टमेंट मिल जाती है, जिसमें कि आप लोगों को नॉर्मल मिलती है, स्पीड मिलती है और रेसिंग आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ से हमारा जो लीवर्स है ये एडजस्ट हो जाता है, जैसे कि आप लोग इसको पीछे की तरफ करोगे तो हमारा जो ये अलग गैप है, ये गाइस गैप हमारा ये कम हो जाता है। और सही के हिसाब से अगर आप इसको टाइट करोगे तो ये हमारा साइज ऊपर चले जाता है, जिसमें कि आप लोगों को क्या पता है कि ज्यादा हाथ से आप लोगों को पकड़ना पड़ेगा और ये आप लोगों को जो देखने के लिए मिलता है फोल्ड हो जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर डिटेलिंग हो चुकी है गाइस, गोल्डन डिटेलिंग हो चुकी है इसके अंदर। आप लोग देख सकते हो कि बाइक का जो लुक है कितना ज्यादा एनहांस हो चुका है इन सब गोल्डन चीजों को लगने के। ये सब लगने के बाद में काफी भाई लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, ये हमारी जो डिब्बियां हैं, ये जो हमारी ऑयल कंटेनर है, कभी इसके अंदर तो नहीं लग रही है। ये देखो गाइस, दोनों दिखाता हूँ, यहाँ से भी दिखाता हूँ लीवर्स भी। ये देखो ये नहीं लगा, अब ये देखो बैक में आया, ये भी नहीं लगा। दोनों तरफ का आप देख लो, क्योंकि इसके अंदर जो डिस्टेंस है गाइस, काफी डिस्टेंस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। ये देखो यहाँ से भी देखो बड़े आराम से। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया अपनी बाइक के अंदर हमने किस तरीके से मॉडिफिकेशन करी हुई है, और उसी के साथ में हमने जो उसके अंदर गोल्डन डिटेलिंग करी हुई है भाई, बहुत ही गजब लुक आ रहा है। काफी लोग मेरे से पूछते हैं भाई आपने जो गोल्डन पार्ट्स है इसके कॉस्टिंग कितनी आ चुकी है। गाइस अभी प्रॉपर तरीके से जो गोल्डन पार्ट्स है वो अभी मैंने पूरा कवर नहीं करे हुए, थोड़े बहुत अगर रह गए तो वो भी मैं बाद में लगा दूंगा। और जितने भी जो एसेसरीज वगैरह है ये सिर्फ अवेलेबल होगी अपने टेक्नोखान स्टोर पे। आप लोगों को दोनों ब्रेम्बो मिल जाएगा, सिंगल और डबल वाला। और ये जो आप ब्रेम्बो है आप ये किसी भी बाइक में लगा सकते हो, आपकी बाइक ABS हो या नॉन ABS हो, आप सब बाइक के अंदर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और आप लोगों को भी चला के दिखाता हूं अपनी बाइक है, कोई दिक्कत परेशानी आ नहीं रही वैसे। और आप लोगों को भी दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारी जो गियर शिफ्टिंग वगैरह इसके अंदर हो रही है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो बाइक है वो सेकंड गियर के अंदर है। अब इसका गियर चेंज करते हैं। सो ये देखो आराम से इसका जो गियर शिफ्टिंग है वो भी हो गई। अब इसको सेकंड गियर में लेकर आते हैं क्लच दबा के। ये देखो ये सेकंड में आ गई। अब इसको हम फर्स्ट गियर में वापस लेकर आते हैं। अब इसको न्यूट्रल हो करते हैं, देखना गाइस अभी न्यूट्रल भी आराम से ही बाइक अपनी हो जाएगी। ये देखो न्यूट्रल भी हो गई है। सो जितने भी आपके डाउट्स थे, आई होप इस वीडियो देखने के बाद में आप लोगों के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने देखा कि मेरी बाइक के अंदर अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे घर से जो मेरी शॉप का डिस्टेंस है गाइस वो 20 किलोमीटर है, और 20 किलोमीटर के अंदर मेरे को कोई ऐसी दिक्कत परेशानी लगी नहीं कि मेरे को लगे कि हाँ यार यूज में नहीं आ रहा सही से, या किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या न्यूट्रल में बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो गाइस हमारा जो बाइक है वो गियर के अंदर भी स्टार्ट हो रही है। तो ये देखो ये कर दिया, इसके अंदर अभी फर्स्ट गियर है। तो ये देखो अपना जो गियर शिफ्टिंग है वो भी देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि न्यूट्रल के अंदर बाइक स्टार्ट करते हैं। ये बाइक स्टार्ट हो गई है न्यूट्रल के अंदर। अब इसको डालते हैं गियर के अंदर, ये हमारी फर्स्ट गियर में आ गई है। अब करते हैं इसको स्टार्ट, ये देखो नहीं हो रही। अब मैं क्लच दबाता हूँ। सो गाइस, यही था आज की इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका भाई इसी तरीके की खुराफाती वीडियो डालता रहता है अपने चैनल पर। R5 वाले बंदे तो भाई सोच लो कि आपकी बाइक के अंदर कितनी मॉडिफिकेशन है वो आप अपनी बाइक के अंदर करा सकते हो। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए जो हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपके साथ में जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब बाय।